इस पर बात करते हैं। किरण जाधव भी हमारे साथ पुणे से जुड़ चुके हैं। हाय किरण, गुड मॉर्निंग। बताइए आपको कौन से स्टॉक्स अच्छे लगते हैं ट्रेड करने के लिहाज से आज लॉन्ग साइड पर? यमन जी, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा पहला पसंदीदा स्टॉक रहेगा टीवीएस मोटर्स, जहाँ पे एक बहुत अच्छी मूव कल हमने देखी है। पूरे 17 में हमने देखा कंटिन्यूअसली निचले बाइंग देखने को मिल रही थी, और इस चक्कर में बहुत सारे शॉर्ट पोजीशंस ट्रैप होते नजर आए। पिछले लास्ट 2 घंटे में हमने बहुत बड़ी रैली देखी और बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ देखी, तो ये कंटिन्यू होता नजर आ रहा है। इसके साथ ही साथ एक इम्पोर्टेंट लेवल था 375 का, वो भी क्रॉस कर चुका है। तो मेरा मानना है कि टीवीएस मोटर्स में अच्छा मूव देखने को मिलेगा। और एक पॉइंट था, ओपन इंटरेस्ट एडिशंस भी काफी अच्छी दिखाई दे रही है, तो डेरिवेटिव डेटा भी उसको पॉजिटिव संकेत दे रहा है। सपोर्ट के नीचे आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए, जो कि 372 रहेगा, और टारगेट्स के लिए आप 394 के एक्सपेक्ट कर सकते हैं लोअर साइड में। दूसरा होगा माइंडट्री। माइंडट्री में भी एक अच्छा रुझान दिखाई दे रहा है, पर इधर तो आज अगर डिलीवरी बेस्ड देखते हैं तो उतना अच्छा डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम दिखाई नहीं दिया, पर एक अच्छे वॉल्यूम के साथ एक अच्छा रेजिस्टेंस इसने तोड़ा है। 480 का करीबन ये इंपॉर्टेंट लेवल था जो इसने क्रॉस कर चुका है, तो इसमें भी बाय करने की सलाह होगी। 487 के स्टॉप लॉस के साथ 509, 514 के टारगेट्स आपको देखने को मिल जाने चाहिए। एक कैश मार्केट का स्टॉक है हेमंत जी, किरी इंडस्ट्रीज, इसमें भी एक बाय करने की सलाह होगी। इसमें भी अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ कल एक अच्छे बाइंग देखने को मिली है, तो 292 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें भी एक लॉन्ग पोजिशन इनिशिएट करनी चाहिए। 313 के टारगेट्स आज देखने को मिल जाने चाहिए। ओके, तो